दोस्तों नमस्कार। और अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि सावित्रीबाई फुले जो पहले बीजेपी में थी अब कांग्रेस में वो गई, लेकिन आज कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी के साथ उनका काफी दिनों से विवाद चल रहा था, जिस तरीके से ईवीएम को लेकर और संविधान की जिस तरीके से हत्या हो रही है तमाम अमेंडमेंट पास करके, तो आज सावित्रीबाई फुले ने कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी छोड़ दी है। आप देखिए एक रिपोर्ट। लोगों ने अपना अमूल्य समय देकर यहाँ उपस्थित हुए, इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आज प्रेस के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि मोदी सरकार की नीति व नियत से पूरा भारत चल रहा है, भयभीत है, चिंतित है, आहत है, अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है। मोदी की सरकार में महंगाई, भुखमरी, जमाखोरी, बेरोजगारी, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, शोषण चरम सीमा पर है। इन सब मुद्दों को लेकर भारत की जनता सदन से लेकर सड़क तक विरोध कर रही है। इन मुद्दों से जनता का दिमाग हटाने के लिए मोदी सरकार एक न एक मुद्दा आरएसएस के इशारे पर खड़ा कर रही है। भय का डर दिखाकर जनता के विरोध को चुप कराना चाहती है। जहां पर भारत की सर्वाधिक जनता समस्याओं से मुक्ति चाहती है, संविधान की रक्षा, जनता की सुरक्षा, कानून की रक्षा, लोकतंत्र की रक्षा एवं न्याय बहुसंख्यक समाज चाहता है, किंतु सत्ता का खौफ दिखाकर मोदी सरकार कानून के साथ खिलवाड़ कर रही है। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कभी दलितों को टारगेट बनाया जाता है, तो कभी पिछड़ों के साथ भेदभाव किया जाता है, तो कभी मुसलमानों को तबाह करने का कार्य मोदी सरकार कर रही है। चाहे आरक्षण का कोटा पूरा कराने की मांग हो, संविधान बचाने की मांग हो, न्याय दिलाने की बात हो, सभी समस्याओं को लेकर जब मैं सदन से लेकर सड़क पर समस्याओं को उठाने का कार्य किया, तो हमसे भाजपा के सरकार नफरत करने लगी, हमारी बातों को अनसुनी किया, तो मैं भाजपा से त्याग पत्र दे दिया और कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। 2019 का चुनाव मोदी सरकार एवं भाजपा की सरकार बनाने से रोकने के लिए कांग्रेस से हाथ मिलाया, किंतु दुर्भाग्यवश कांग्रेस पार्टी भी मोदी की सरकार बनने से नहीं रोक पाई। मैं चुनाव हार गई। बावजूद इसके अपना आंदोलन संविधान को बचाने, आरक्षण का कोटा पूरा कराने के लिए लगातार आंदोलन चलाती रही हूं। आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए जब मैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी से कहा कि संविधान लागू कराने, आरक्षण कोटा पूरा कराने, ईवीएम हटाओ का आंदोलन मैं पार्टी के बैनर तले कराना चाहती हूं, तो माननीय प्रियंका गांधी जी ने कहा कि मुझसे एवं मेरी पार्टी से संविधान लागू कराने, आरक्षण कोटा पूरा कराने, ईवीएम को हटाने से लेना देना नहीं है। ऐसी सूरत में भाजपा तथा कांग्रेस में मुझे कोई अंतर देखते हुए मुझे लगा कि सांप नाक की जो कहावत सही पाई गई। इसलिए आज मैं सावित्रीबाई फुले पूर्व सांसद बहराइच, मैं कांग्रेस पार्टी से मैं त्याग पत्र दे रही हूं और त्याग पत्र मैं कांग्रेस पार्टी से दे रही हूं और भारतीय संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, आरक्षण कोटा पूरा कराने के लिए, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ का आंदोलन मैं अपना स्वयं राजनीतिक संगठन बना करके और मैं आंदोलन को चलाने का काम करूंगी। मैं 19 जनवरी को लखनऊ के रविंद्रालय में मैं नमो बुद्धाय जनसेवा समिति के बैनर तले मैंने अधिवेशन बुलाया है। उसी अधिवेशन में मैं राजनीतिक पार्टी की मैं घोषणा करूंगी और अपना स्वयं स्वतंत्र होकर के राजनीतिक पार्टी बना करके और भारतीय संविधान को संपूर्ण रूप से लागू कराना, अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़ी जात, आदिवासी समाज और मुस्लिम समाज के लोगों के लिए जो अधिकार है उसको संपूर्ण रूप से लागू कराने के लिए, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, जो तथागत गौतम बुद्ध जी का जो विचारधारा था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो विचारधारा था, माननीय कांशीराम साहब का जो विचारधारा था, उस आंदोलन को गति देने के लिए मैं अपना स्वयं संगठन बना करके और उस संगठन के माध्यम से मैं आंदोलन चलाती रहूंगी। ये मैं आप लोगों से भी, मैं आप सभी चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहती हूँ कि सभी चैनल के भाइयों और सभी जो यूट्यूब चलाने वाले हमारे इलेक्ट्रॉनिक
प्रिंट मीडिया जो भी हैं, सभी भाइयों से, मीडिया भाइयों से मैं निवेदन करना चाहती हूं कि 19 जनवरी को लखनऊ के रविंद्रालय में भारी संख्या में पहुंचकर प्रबुद्ध वर्ग के लोग पहुंच करके और उस कार्यक्रम में हमारा साहस और हिम्मत बढ़ाने का काम करें, जिसे मैं बहादुरी के साथ भारत के संविधान आरक्षण और भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए मैं निरंतर आंदोलन करती रहूंगी। नमो बुद्धाय, जय भीम। जब सावित्रीबाई फुले जी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और उसकी भनक जब उदित राज को लगी तो उदित राज जी के पास भी हम गए और उनसे भी हमने जानने की कोशिश की कि सावित्रीबाई फुले जी का ये जो फैसला है, जो कांग्रेस छोड़ने का फैसला है, कितना उचित है। देखिए उदित राज जी ने इस फैसले पे क्या कहा। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास और साथ में SD न्यूज इंडिया भी हमारे साथ है। सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से आज सावित्रीबाई फुले जी ने कांग्रेस से रिजाइन दिया है और कारण उन्होंने ये बताया है कि EVM को लेकर और संविधान की जिस तरीके से हत्या हो रही है, जिस तरीके से संविधान को बार बार बदला जा रहा है उसको लेकर उन्होंने प्रियंका गांधी से बात की तो उन्होंने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और जिसके कारण आज सावित्रीबाई फुले ने कांग्रेस को जो है वो छोड़ दिया है। क्या कहेंगे सर इसके लिए आप? मैं यही कहूंगा कि उन्होंने गलत किया है और कांग्रेस पार्टी ही है कि जो संविधान की रक्षा कर सकती है और जो अभी तक दलितों को, गरीबों को, महिलाओं को अधिकार दिए हैं, कांग्रेस ने ही दिए हैं। चाहे स्पेशल कंपोनेंट प्लान हो, ट्राइबल सब प्लान हो, स्कॉलरशिप, होस्टल और जमीनों का पट्टा और कारोबार के लिए लोन की प्रथा की शुरुआत और गैस में, पेट्रोल पंप में कोटा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और राजीव गांधी फेलोशिप और प्रोफेसर तक प्रमोशन में रिजर्वेशन कोई भी रीजनल पार्टी नहीं दे पाई है। समाजवादी पार्टी ने तो डिमोट किया है लाखों कर्मचारियों को और बहुजन समाज पार्टी ने तो कुछ दिया ही नहीं, केवल भावनाओं के आधार पर संगठन को खड़ा रखा बाबा साहब के नाम पर और सड़क भी सूनी रखा, संसद भी सूनी रही, 5 साल तक शांति रही, लड़ते नहीं हैं, चाहे प्रमोशन का है, पोस्टिंग का है, क्या किसी दलित की हत्या हो जाए, घर जला दिया जाए, जमीन का सवाल हो ये और फीस का सवाल हो, स्कॉलरशिप बढ़ाने की बात है, हॉस्टल बनाने की बात है, या किसी के नौकरी में खलन की बात हो, वैकल्प भर्ती की बात हो, नई भर्तियों का सृजन न होने पर, बल्कि उल्टे जब शुरू श्री मायावती उत्तर प्रदेश में आई तो चीनी मिलों का निजीकरण उन्होंने ही शुरू किया, उसमें आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं रखा उन्होंने और करना नहीं चाहिए था, करते थे, नया मॉडल पेश करते थे। तो सावित्री बाई फुले जी ने सही कार्य नहीं किया है और उनसे 10 गुना ज़्यादा अवसर मेरे पास अभी भी है रहा, लेकिन मैं एक वचन पर चलने वाला हूँ और पूरा मैं इतिहास 1947 से लेकर अभी तक की राजनीतिक इतिहास को खंगाला है, देखा है, अगर कुछ कर सकती है कांग्रेस ही कर सकती है, तो कहीं और जाकर के दलितों के लिए कुछ करना संभव नहीं है। और मैं जब कहा कि मेरे पास कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, नाम खुलासा नहीं करना चाहूँगा, राज्यसभा की मेंबरशिप ऑफर हुई मुझे, LG तक का भी ऑफर हुआ मुझे और रीजनल पार्टी से भी मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा का ऑफर हुआ पिछले महीने, उसके पिछले महीने भी, लेकिन मैं टस से मस नहीं हुआ। एक बार मैं आ गया हूँ कांग्रेस में तो कांग्रेस में रहूँगा, क्योंकि कांग्रेस का जो अतीत है उसको देखकर ही वर्तमान और भविष्य को समझा जा सकता है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा है। पेशेंस होना चाहिए, धैर्यता होनी चाहिए। तो जिस तरीके से सावित्रीबाई फुले ने, आपने सुना पूरा उदित राज ने जिस तरीके से उनके फैसलों को कहीं ना कहीं नकारते हुए कहा कि उनकी कहीं ना कहीं गलती है, उन्होंने कांग्रेस को नहीं छोड़ना चाहा, कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो तमाम दलितों के हक अधिकार की बात करती है, एक बड़ी बात है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ
जो सावित्रीबाई फुले जी ने जिस तरीके से कहा है कांग्रेस पार्टी के बारे में, वो कहीं ना कहीं तमाम बहुजन नेताओं को और बहुजन लोगों को सोचना पड़ेगा कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो थी वो गरीबों की पार्टी और कहीं ना कहीं बहुजनों की पार्टी थी, बहुजनों के हितों के बारे में बात करती थी, लेकिन आज सावित्रीबाई फुले जब कांग्रेस पार्टी से अलग हो गई तो कहीं ना कहीं बहुजनों के मन में ये सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर क्या वजह रही होगी, और उन तमाम वजहों को उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में भी कहा है। अब भविष्य बताएगा कि सावित्रीबाई फुले किस तरीके की राजनीति करेंगी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो दिसंबर में आने वाली जनवरी में वो लखनऊ में एक बहुत ही बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं और उसमें अपनी जो पार्टी है उसका कहीं ना कहीं नाम भी उजागर करेंगी, किस तरीके की पार्टी और क्या करने वाली है भविष्य में। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्टिस टीवी इंडिया।